विदिशा जिले के पठारी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में आज कथा के पांचवें दिवस पर वृंदावन से पधारे हुए ब्रज रज रसिक पूज्य श्री मुरारी लाल शास्त्री जी महाराज ने अपने श्रीमुख से सुमधुर वाणी से नंद उत्सव का वर्णन किया। पुतना आदि अनेकों राक्षसों का वध भगवान ने किया। महाराज श्री ने बताया, भगवान धर्म की रक्षा के लिए दुष्टों का वध करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। और मक्खन चोरी लीला में बहुत ही सुंदर झांकी निकाली। कान्हा ने मटकी फोड़ी, ग्वाल बालों के साथ बहुत ही सुंदर लीला के दर्शन कराए। और महाराज श्री ने बताया, जैसे गोपी भगवान श्री कृष्ण से निष्काम प्रेम करती है, उसी प्रकार ठाकुर जी से प्रेम करना चाहिए। प्रभु ने ब्रजवासियों से, ब्रज की गोपियों से और सारे ही ब्रज से बहुत प्रेम किया है। ब्रज रज भी भगवान ने खाकर ब्रज के महत्व को बढ़ाया, जो भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। श्रणो सखी कौतुक में कमारियो सखियो, जल करी के काला तो कहूँ सावरिया वासुदिया वाला, तो कहूँ सावरिया वासुदिया, तो कहूँ सावरिया वासुदिया वाला। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आचार्य सद्गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया है, उसके बाद में मेरे गोविंद ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। मेरे गोविंद को मैया यशोदा एक दिन नचा रही थी, कन्हैया नृत्य कर रहे थे, तो एक गोपी गोपी आई और आकर के छिप करके मेरे गोविंद को देखती है। छिप करके गोविंद को देखा गोपी ने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।